अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं स्मोकी बैंगन भरता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बैंगन भरता बहुत ही स्मोकी है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने एक बैंगन लिया है और अभी मैं इसे गैस पर जला रही हूँ। इसे पूरी तरह से जलाना है और अंदर तक पकना चाहिए, नरम होना चाहिए। अब अगर गैस पर इसी तरह जला के आप बैंगन भरता बनाएंगे तो बहुत ही स्मोकी फ्लेवर इसमें आएगा। तो ये देखिए, मैंने पूरी तरह से जला लिया है और ये बिल्कुल नरम हो गया है। तो अभी मैं ऊपर जो जला हुआ छिलका है वो मैं अभी निकाल रही हूँ छिलके को। आप इसी तरह जला के बैंगन भरता बनाएंगे तो बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है स्मोकी फ्लेवर इसमें। तो मैंने सारे छिलका निकाल लिया है जला हुआ, और अभी मैं छुरी के साथ इसका डंठल भी काटूंगी। तो डंठल काटने के बाद इसे छुरी के साथ अच्छी तरह चॉप कर लेना है। आप चाहे तो चम्मच या किसी और से भी इसे मसल सकते हैं, स्मैश कर सकते हैं, पर मैं छुरी के साथ इसी तरह मैं चॉप कर रही हूँ। तो अभी मैं पैन पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, और तेल गर्म होने के बाद मैं एक स्लाइस प्याज डाल रही हूँ, और प्याज को 30 मिनट तक सौते करना है कि ज़्यादा टाइम फ्राई ना करे। थोड़ा सा कच्चा बन रहे प्याज में तो भट्टा अच्छा लगता है। और अभी मैं 2 हरी मिर्ची चॉप करके डाल रही हूँ, और मैं एक टमाटर डाल रही हूँ डालूँगी अभी चॉप करके। ये चॉप टमाटर में डाल दिया है और इसे ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट तक इसे फ्राई करें। तो अभी मैं थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ, आप अपने हिसाब से नमक मिलाएं। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर मिला लिया है। अब ज़्यादा मसाला ना मिलाए, अगर ज़्यादा मसाला मिलाएंगे तो इसमें स्मोकी फ्लेवर जो है बैंगन का वो नहीं रहेगा, सिर्फ मसाले का फ्लेवर आएगा आपको। तो ज़्यादा मसाले ना मिलाए। तो अभी मैं तकरीबन 1 मिनट बाद बैंगन मिला लिया है इसके साथ। अब ये ख्याल रखें कि टमाटर गल ना जाए, टमाटर सिर्फ थोड़ा सा पकना चाहिए, ये गलना नहीं चाहिए। तो अभी मैं तकरीबन 1-2 मिनट तक इसे लगातार इसी तरह चला के फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। आप इस तरह बैंगन भरता बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्मोकी फ्लेवर, ज़्यादा मसाला ना मिला इसमें, बहुत ही कम मसाले में इसे बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसमें हरा हरे धनिया मिला रही हूँ अभी। तो धनिया पत्ता मिलाने के बाद तुरंत गैस ऑफ करना है ताकि धनिया पत्ता पके ना, कच्चा ही रहे तो अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है जब कच्चा रहता है। तो इसी तरह आप इसे बनाएं और इसे प्लेन राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।